हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों बांधते हैं कलाई में कलावा या रक्षा सूत्र। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, फिर पूजा की शुरुआत की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रक्षा सूत्र क्यों बांधी जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। गौरतलब है कि कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीरों के अग्रणीय महाराज बलि की अमरता के लिए वामन महाराज ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा कवच के रूप में शरीर पर बांधा जाता है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि इंद्र जब वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तब इंद्रनी ने इंद्र के दाहिने भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजय भी हुए थे। उसके बाद से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हो गई। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से कई बीमारियां दूर होते हैं जिसमें कफ पित्त शामिल हैं। शरीर को संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई से ही होता है, अतः यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसा भी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारियाँ अधिक नहीं बढ़ती और बहुत सारे रोगों से बचाव होता है। मौली यानी रक्षा सूत्र 100% कच्चे धागे व सूत की ही होनी चाहिए। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधनी चाहिए। ये तो था दोस्तों रक्षा सूत्र बांधने के पीछे का कारण। और चलते चलते दो लाइन आप सभी के लिए, दोस्तों, भय को नज़दीक न आने दो, अगर यह नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।